हेलो फ्रेंड्स, आई एम एके, आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी विद एके पर। हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लियर करेंगे क्लास 9 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, उससे पहले स्टूडेंटों के लिए कुछ मोटिवेशनल लाइन जो कि मैंने लिखी है तो सुनाते हैं। परखता रहा उम्र भर ताकत दवाओं की, दंग रह गया देखकर ताकत दुआओं की। प्रभु कहते हैं, तू सोने से पहले सबको माफ कर, मैं उठने से पहले तुझे माफ कर दूंगा। सच बात है ये तो भाई। अकेले रहना अच्छा है बजाय उनके साथ रहने के जिनको तुम्हारी कद्र नहीं। ओके, थैंक यू, दैट्स इनफ। ओके, वी आर गोइंग टू चैप्टर ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, तो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, एक क्वाड्रेंट होता है, कुछ ऐसा होता है सिस्टम। दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड एंड फोर्थ। ओके, जो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें उसको हम कहते हैं ओरिजिन। क्या कहते हैं भाई? ओरिजिन कहते हैं। ओके, इसको हिंदी में मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। ओके, नेक्स्ट वी आर द लाइन, दिस इज द वर्टिकल लाइन एंड दिस इज हॉरिजेंटल लाइन। ओके, क्या हो गई? इसको हम कहते हैं बाय एक्सिस। वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं भाई? बाय एक्सिस। और ये हॉरिजेंटल लाइन को एक्स एक्सिस। ओके, अगर हम आगे जाएंगे तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस बनेगा और अगर हम पीछे जाएंगे तो नेगेटिव एक्स एक्सिस बनेगा। क्लियर? अगर हम ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव बाई एक्सिस बनेगा और नीचे आएंगे तो नेगेटिव बाई एक्सिस बनेगा। नेगेटिव बाई एक्सिस बनेगा। पॉइंट ऑफ व्यू 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही चले जाते हैं इन्फिनाइट तक। ये भी -1, -2, -3, -4, -5। ओके, ऐसे -1, -2 नीचे जाएंगे माइनस, ऊपर जाएंगे प्लस। हम ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? प्लस होगा, बट नीचे जाएंगे तो माइनस होगा। ओके ओके भाई, बहुत अच्छी बात है। अगर हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाना है, यहां जाना है, तो मैं या तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां से जाऊंगा और यहां से जाऊंगा तो हमारी एक्स भी प्लस है और वाई भी प्लस है, सो बनेगा प्लस कॉमा प्लस। ओके, हमारा मतलब क्या है, एक्स कॉमा वाई के सिस्टम में लिखा जाता है। ओके, तो पहले हमारा एक्स होगा, यानी कि एक्स का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? प्लस, और वाई का कोऑर्डिनेट भी प्लस। बट अगर मुझे इस क्वाड्रेंट में जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ऐसे एंड ऐसे जाना पड़ेगा। मतलब क्या है कि मैं एक्स तो चल रहा हूं माइनस में, बट वाई क्या चल रहा हूं? मैं प्लस में चल रहा हूं। ओके, तो द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस क्वाड्रेंट क्या होगा? एक्स का कैसा होगा? माइनस का, और वाई का कैसा होगा? प्लस का। सो कोऑर्डिनेट आर माइनस कॉमा प्लस। ओके, अब बात करते हैं क्वाड्रेंट थर्ड की। तो क्वाड्रेंट थर्ड में मुझे यहां आना है तो क्या होगा? एक्स का माइनस एंड वाई का भी माइनस, बिकॉज इस क्वाड्रेंट के लिए मुझे ऐसे चलना होगा और ऐसे चलना होगा, तो क्या हो जाएगा? माइनस कॉमा माइनस। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। अब अगर मुझे फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है तो मुझे एक्स पर चलना होगा पॉजिटिव और वाई पर चलना होगा नेगेटिव। सो माई पॉजिटिव यानी कि इस क्वाड्रेंट के लिए प्लस कॉमा माइनस हो जाएगा। मतलब अगर मुझे यहां आना है तो या एक्स वाई के लिए नीचे आना होगा और एक्स से प्लस यानी ये जाना होगा। सो ये हो जाएगा 4.5। ओके, तो एक दो क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर मैंने कहा तुमसे 4.5 ये कोई क्वाड्रेंट में, तो प्लस कॉमा प्लस है तो ये क्या हो गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्लियर? अगर मैंने कह दिया -5.6 तो क्या हो जाएगा? माइनस कॉमा प्लस हो गया। माइनस कॉमा प्लस कहां ढूंढो? सेकंड, तो ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर मैंने कहा 7.-8 7.-8 तो ये क्या हो गया? प्लस कॉमा माइनस। ये कहां हो जाएगा? प्लस कॉमा माइनस कहां है? थर्ड क्वाड्रेंट में, आई मीन फोर्थ क्वाड्रेंट में।
क्लियर? आई थिंक समझ गए होगे कि क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, ये बेसिक है, स्टार्टिंग है नाइन्थ से। टेंथ में हम पढ़ेंगे मेन कोऑर्डिनेट। ओके, तो क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं कि क्वेश्चन की क्या डिमांड है। ओके, तो क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द नेम ऑफ हॉरिजेंटल लाइन एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन द डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ एनी पॉइंट और इन द कार्टिजन। भाई ये कार्टिजन ही होता है, क्या होता है कार्टिजन। अब मैंने बताया था तुम्हें वर्टिकल लाइन, जो वर्टिकल लाइन होती है कुछ ऐसी होती है ना, तो ये कौन सी होती है, मतलब वर्टिकल लाइन कौन सी होती है, बाय एक्सिस होती है। कौन सी होती है, बाय एक्सिस। और अगर हॉरिजेंटल लाइन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है हॉरिजेंटल लाइन की बात करूं, एक्स एक्सिस क्या होती है, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। ओके, ये कुछ ऐसी होती है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड ने कहा है सी फिगर 3.14 राइट द फॉलोइंग। तो ये तो फिगर है भाई, कुछ ऐसा बना हुआ है। ओके, बहुत अच्छी बात है। एंड द ओ क्या हो जाएगा, जीरो। तो ऊपर जाएंगे, ये ऊपर तो -6 तक है, 1, 2, 3, 4, 5 और ऊपर चले जाओ 6, ये हो गया पाई एक्सिस। क्लियर? अब बात करते हैं बाई डेस्क कहां तक है, ये भी -5 तक है, -1, -2, -3, -4 and -5। क्लियर? एक्स कहां तक है, ये भी 6 तक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, हम 7 तक बना देते हैं। ये हो गया एक्स एक्सिस और हमारा ये -5 तक, सो -1, -2, -3, -4 and -5। क्लियर? अब बात करते हैं, ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस डैश, या माइनस एक्स एक्सिस भी लिख सकते हो आप लोग। ओके, अब हमारा पहला पॉइंट क्या है, कहां है कोऑर्डिनेट ऑफ बी। तो बी कहां है, ढूंढो बी, बी 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 एक्स से 2 बन रहा है, यानी कुछ ऐसे करके है बी, और बी बाई से कितना -5, आई मीन एक्स से -5 और बाई से 2, सो -5, 2 हो जाएगा पहले का आंसर। ये कुछ ऐसे करके बन रहा है बी। ओके, दिस इज द फर्स्ट आंसर। कोऑर्डिनेट ऑफ सी, यानी फर्स्ट क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्या हो जाएगा, -5, 2। हाँ जी, क्या है बच्चों, ये याद रखना कि हमारा जो फर्स्ट होता है एक्स एक्सिस के पर डिपेंड होता है, और सेकंड जो कोऑर्डिनेट होता है वो बाई पर डिपेंड होता है। तो एक्स क्या है, एक्स है हमारा -5 एंड बाई है 2। क्लियर? सो -5, 2 लिख देंगे। ओके, एंड द सेकंड क्या है हमारा, सेकंड है हमारा क्वेश्चन द कोऑर्डिनेट सी, द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। क्लियर? कोऑर्डिनेट सी कहां है, ढूंढो सी 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 सी। ओके, मिल गया मुझे, तो मिल गया भाई। तो ये 5 से और 5 तक, क्लियर क्या है कि 5 × 5 पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा 5, 5। बट x का +5 और y का -5। ओके, सो हमारा क्या हो जाएगा, ये सी है, आई थिंक सी ही है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। कोऑर्डिनेट ऑफ सी क्या हो जाएगा, 5, -5। क्लियर? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इसमें थर्ड पॉइंट्स की। थर्ड पॉइंट्स में पॉइंट इन डिफाइंड बाय द कोऑर्डिनेट -3, -5 इन डिफाइंड आइडेंटिटी
हमें यही तो देखा था ना कि आइडेंटिफाइड को इंडिफाइड क्यों लिख रखा है बुक में, गलत लिखा है. आइडेंटिफाइड कोऑर्डिनेट माइनस थ्री कॉमा माइनस फाइव, क्लियर. तो माइनस थ्री कॉमा माइनस फाइव को हमने क्या करना है कि फाइंड करना है. तो माइनस थ्री कहाँ है भाई, माइनस थ्री कॉमा माइनस फाइव, तो थ्री एक्स भी हमारा माइनस थ्री होना चाहिए और वाई भी हमारा माइनस फाइव होना चाहिए. तो एक्स कहां से बनेगा, एक्स माइनस थ्री क्लियर एंड वाई माइनस फाइव क्लियर. सो यहां कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ढूंढो, ई ई पॉइंट है. सो आंसर हो जाएगा ई, क्लियर. अब बात करते हैं फोर नंबर की. फोर नंबर में क्या है, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट टू कॉमा फोर, टू कॉमा माइनस फोर. तो एक्स की वैल्यू टू होनी चाहिए और वाई की वैल्यू माइनस फोर होनी चाहिए. तो ये ऐसे बनाओ और इसको ऐसे मिला दो. तो ये कहाँ है हमारा, जी पॉइंट पर है. तो ये माइनस टू कॉमा माइनस फोर क्या हो जाएगा, जी पॉइंट हो जाएगा भाई, क्लियर. नंबर फाइव हमें द अब अपशिका ऑफ द पॉइंट डी. तो हमें पॉइंट ढूंढना है, आई मीन ये कौन से क्वाड्रेंट में है. तो डी कहाँ है, हम डी ढूंढते हैं. डी 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 डी, ओके मिल गया हमें. ये है हमारी डी कहाँ है, टू कॉमा सिक्स. तो टू कॉमा सिक्स, दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, टू कॉमा सिक्स एंड डी, क्लियर. अब बात करते हैं नंबर सिक्स. सिक्स ये कॉपीज भर गया बच्चों. हम क्या करते हैं, सेकंड पेज ले लेते हैं, क्लियर. इसको भी साइड में रखेंगे. क्वेश्चन हमारा क्या है, सिक्स नंबर में क्या है, सिक्स नंबर में कहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच, द कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट उत्तरी, पॉइंट एच, क्लियर. हमारा एच का कोऑर्डिनेट निकालना है. तो एच का कोऑर्डिनेट क्या निकलेगा, एच का कोऑर्डिनेट निकलेगा, एच का पहले ढूंढो, एच 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 एच, ओके माइनस फाइव कॉमा माइनस थ्री. सो एक्स की वैल्यू माइनस फाइव और माइनस थ्री. सो ये हो गया एच. सो एच क्या है, माइनस फाइव कॉमा माइनस थ्री, ओके. अब द कोऑर्डिनेट ऑफ एल, द कोऑर्डिनेट ऑफ एल, एल का फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, एल एल ढूंढेंगे, एल वन टू थ्री फोर, एल 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 कहां पर है, एल हमारा है, ओ एल तो ओनली बाई एक्सिस पर ही है. तो एल है हमारा कुछ यहां पर है. तो ये हो गया L. तो इसमें ओनली बाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है ही नहीं. सो इसके कोऑर्डिनेट कितने क्या हो जाएगा, X का जीरो और Y का फाइव, ओके. एंड द क्वेश्चन नंबर एट एंड लास्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, ओके. 3.1 में कुछ नहीं है बच्चों, उसमें बेसिक सिस्टम है, वो उसे आई थिंक आप क्लियर कर लोगे. उसमें ओनली डेफिनेशंस पूछी है, आई मीन डिमांड की है डेफिनेशंस की. सो नाउट्स लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन पढ़ते हैं. द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम, और एम हम फाइंड करेंगे, एम है हमारा कोऑर्डिनेट माइनस थ्री पर. तो ये कुछ यहां पर है एम, ओनली एक्स एक्सिस पर है. सो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, द कोऑर्डिनेट ऑफ एम क्या हो जाएगा, एम क्या हो जाएगा, हो जाएगा माइनस थ्री कॉमा जीरो. और बच्चों हम ना कोशिश करेंगे कि हम पीडीएफ बना के लेके आए, ओके. ये आज मुझे भी लगा है कि कुछ ये डिफिकल्टी हुई है, अगर पीडीएफ बना के लेके आते हैं तो हम क्लियर कर देते हैं ये लिखना बार बार, ये वीडियो में भी ये हमारा अनसेटिस्फेक्शन रहा होगा. बट लोगों को मैं गारंटी देता हूं कि बच्चों को समझ में आया होगा, ओके. तो क्या कहा मैंने कि ये 3.1 क्या है कि बहुत ज्यादा सिंपल एक्सरसाइज है. तो उसके अगर बच्चों की डिमांड करेंगे कमेंट के अकॉर्डिंग, अगर बच्चे डिमांड करेंगे तो उसकी एक पर्टिकुलर वीडियो बना देंगे, ठीक है. तो
अगर डिमांड होगी तो बता देना, हम बना देंगे। वैसे मुझे नहीं लगता कि वो डिफिकल्ट एक्सरसाइज है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू, टेक केयर। ओके, हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको ये सेशन वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक भी कर देना अगर अच्छा लगे तो। ओके, थैंक यू, बाय बाय।